फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्गरेट वुड का लिखा वन एक्ट प्ले डे ऑफ अटोनमेंट। मार्गरेट लूसी एलिजाबेथ बेलमे वुड, ये उनका पूरा नाम था, एंड शी वॉज बॉर्न इन 1911 एंड डाइड इन 2002, एंड शी वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट। और ये अपने हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस के प्लेज के लिए काफ़ी पॉपुलर थी। उनके द किंग एंड द क्वेकर, द पर्सन ऑफ नो कंसीक्वेंस एंड डे ऑफ अटोनमेंट मेन प्लेज हैं। डे ऑफ अटोनमेंट वॉज पब्लिश्ड इन 1962 और इसको ब्रिटिश ड्रामा लीग वन एक्ट प्ले का अवार्ड भी मिला। डे ऑफ अटोनमेंट यानी कि ये रिडेम्पशन, जिसको हम कह सकते हैं कि पश्चाताप या फिर प्रायश्चित के थीम पे बेस्ड है। इसमें माफ़ी या फॉरगिवनेस की एग्जाम्पल दी गई है और बताया गया है कि हमें इंसानों की तरह रहने के लिए फॉरगिवनेस कितनी ज़रूरी है। प्ले हिटलर के जर्मनी में नाजी होलोकास्ट की बैकग्राउंड पे बेस्ड है, जिसमें बड़े पैमाने पर कंसंट्रेशन कैंप्स में नाजी के द्वारा ज्यूज़ को मारा गया था और उनका निशान भी मिटाने की कोशिश की गई थी। प्ले जैकब और उनकी डॉक्टर क्रॉस के साथ दोस्ती पर बेस्ड है। जैकब अपनी वाइफ मार्थे और अपने बच्चों ओटो, उसका बेटा, और इल्से, उसकी बेटी के साथ रहता है। ये सब जर्मनी में नाजी ऑपरेशन के शिकार हैं। हॉलोकास्ट के 12 साल बाद भी वो जर्मन में ही रहते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात जर्मन डॉक्टर क्रॉस के साथ होती है, जो कि एक सर्जन है, और वो हेल्पलेस ज्यूज़ की मदद करते हैं। वो जैकब की बेटी इल्से का ऑपरेशन करते हैं, जो कि टीबी से पीड़ित थी। जैकब और मार्थे उसके बहुत एहसानमंद हैं। प्ले के शुरू में हमें पता चलता है कि जैकब और मार्थे डॉक्टर की बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उसने इल्से का ऑपरेशन किया है, और मार्थे बताती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और आज रात को डॉक्टर क्रॉस उनके घर भी आएंगे और वो अपने घर खर्च के पैसों से डॉक्टर मार्थे के लिए वाइन भी लाई है। हमें यह भी पता लगता है कि वो बहुत बुरी, गंदी और सीलन भरी छोटी सी जगह में रहते हैं और इसी वजह से इल्से बीमार भी हो गई थी। दोनों क्रॉस की बात कर रहे थे और वो हॉस्पिटल के बाद उनके घर आने के बारे में सोच रहे थे, मगर उनका बेटा ऑटो इसके ऑपोजिट जब आता है तो उन्हें बताता है कि डॉक्टर क्रॉस अच्छा आदमी नहीं है। और जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर क्रॉस उनके घर आने वाले हैं, तो वो कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। वो अपने फ्रेंड मॉयशे के घर जाता है और डॉक्टर जब उनके घर आते हैं तो ऑटो उनको विश नहीं करता और वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि एक्चुअली डॉक्टर क्रॉस ज्यू नहीं है और उसका असली नाम हॉल्स है। ये उन कंसंट्रेशन कैंप्स में काम करता था जिनमें ज्यूज़ पर अत्याचार किए जाते थे, मगर अब वो अपने किए कामों का प्रायश्चित कर रहा है और वो उस टाइम पे हेल्दी लोगों पर ऑपरेशन करता था और उन्हें म्यूटिलेट यानी कि उन्हें अपंग बना देता था। उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं जिसमें वो ये ऑब्जर्व करता था कि एक इंसान मरने से पहले कितना दर्द सह सकता है। मगर जब ऑटो डॉक्टर क्रॉस को विश नहीं करता तो उसके पेरेंट्स उसे इस बात के लिए डांटते हैं, तो वो गुस्से में आकर डॉक्टर क्रॉस की सारी पास्ट रियलिटी अपने पेरेंट्स को बता देता है। डॉक्टर क्रॉस अपना गुनाह मान जाते हैं और ये बताते हैं कि कार्ल बेक नाम के एक इंसान की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। कार्ल बेक देयर सीनस्टैन कैंप में एक ज्यू था, जो कि हर रात किसी ज्यू की हट में सारे ज्यूज की एक मीटिंग रखता था। उसकी चार बहनें और वाइफ किसी दूसरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मर गई थी। नाजी सोचते थे कि वो विद्रोह की तैयारी कर रहा है। एक रात क्रॉस एक हट के पीछे से देखने गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। जब कार्ल बेक ने क्रॉस को देखा तो उसने झुककर उनको विश किया। क्रॉस ने देखा कि वो तो फिलॉसफी का लेक्चर दे रहा था, जिसमें वो प्लेटो से लेके कैंट तक सारे स्कॉलर्स को डिस्कस कर रहा था। जब कार्ल बेक ने क्रॉस को देखा तो उसने झुककर उनको विश किया। ये देख के क्रॉस हैरान रह गया कि ये कितने महान और स्कॉलर लोग हैं, और कार्ल बेक जो कुछ भी पास ना होते हुए भी लोगों को एजुकेट करने में लगा हुआ है। जब वॉर ख़त्म हुई तो रशियन कमांडर ने क्रॉस और बाकी नाजीज को ज्यूज के हवाले करना चाहा ताकि वो इनको मार के बदला ले सकें, मगर कार्ल बेक ने उन सब भड़के लोगों को इशारे से क्रॉस को कुछ भी कहने से रोक दिया।
और हैरानी की बात है, सब लोग रुक गए, किसी ने क्रॉस को कुछ भी नहीं कहा। उसने क्रॉस और ज्यूस को वहाँ से बचा कर निकाल दिया। उसके बाद क्रॉस का एटीट्यूड बदल गया और वो अपने किए पापों का प्रायश्चित करने का सोचने लगा। फिर उसकी सारी फैमिली भी मारी गई और वो अपना नाम बदल कर ज्यूस की सेवा करने लगा। जब ऑटो ने सारी हकीकत अपने पेरेंट्स को बताई तो जैकब और मार्थे ने क्रॉस को माफ़ कर दिया। जब ऑटो ने बहस की तो जैकब ने कहा कि ना तो वो इसको भूलेगा और ना ही इससे बदला लेगा, मगर ऑटो मानने को तैयार नहीं था। क्रॉस कहता है कि वो सरेंडर कर देगा, आत्मसमर्पण कर देगा। वो उसे पिछले दरवाजे से निकल जाने की मिन्नत करते हैं, मगर क्रॉस जानबूझकर अकेला सामने के दरवाजे से बाहर आता है और बाहर खड़े बहुत से ज्यूज उसे मार देते हैं। वो ऑटो के कहने पर क्रॉस को मारने के लिए ही वहाँ खड़े थे। क्रॉस के मरने के बाद ऑटो को पछतावा होता है कि उसने अपने और वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि अगर आप मुझे भी साथ जाने देते तो वो लोग गोलियां नहीं चलाते और क्रॉस सिर्फ अरेस्ट ही होते। फिर ऑटो अपने पिता के कहने पर बाइबल का साम ऑफ डेविड पढ़ता है और प्ले ख़त्म हो जाता है। अंत में वो दोनों एक दूसरे से रिकनसाइल कर लेते हैं। प्ले हमें प्रायश्चित और क्षमा यानी फॉरगिवनेस की इम्पॉर्टेंस समझाता है कि सिर्फ एक क्षमा ही है जो हमें सबको बचा सकती है, वरना शायद हम सब एक दूसरे को किसी दिन मार देंगे। प्ले में बेक और जैकब के रूप में दुश्मन ही एक दूसरे को बचाते दिखाए गए हैं और सुधार होता है। एक बार हॉल्स यानी डॉक्टर क्रॉस बदलता है और दूसरी बार ऑटो। प्ले की अपील यूनिवर्सल है और किसी भी एरा के लिए ये एक सॉलिड एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं @अर्जुन एजुकेशन। थैंक यू।